नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सज्जन स्टिक चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके ओल्ड लैपटॉप को कैसे फास्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास एसर का लैपटॉप है और ये काफ़ी स्लो है और इसको बूटिंग के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है और वो काफ़ी स्लो चल रहा है, आप कोई नया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको 30-40,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आपके ओल्ड लैपटॉप को ही बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर स्लो का प्रॉब्लम है, हैंग का प्रॉब्लम है, बूटिंग में बहुत टाइम लग रहा है, ये सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और लैपटॉप एकदम नए जैसे स्मूथली चलेगा। और इसके लिए आपको एक SSD हार्ड डिस्क चाहिए रहेगा जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। 128 GB का आपको SSD हार्ड डिस्क चाहिए रहेगा। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 256/512 का भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा पुराना है तो आपको उस पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए 128 GB काफ़ी है, क्योंकि आपका ओल्ड हार्ड डिस्क है वो भी आप यूज़ करने वाले हैं तो आपका स्पेस वैसे भी बढ़ ही जाएगा। अभी जो इसका पुराना हार्ड डिस्क निकलेगा, इसका जो ओल्ड वाला ऑलरेडी हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है इसमें, वो निकलेगा, उसको हम CD ROM की जगह पर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम कैडी का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक कैडी है, इसका यूज़ करेंगे। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको हार्ड डिस्क कैडी बोलते हैं और इसमें हम ओल्ड हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे जो कि CD ROM की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। जो भी आपका डाटा रहेगा वो SSD रहेगा। SSD इंस्टॉल होने के बाद में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हार्ड डिस्क हम रिप्लेस करेंगे। देखिए हमारा हार्ड डिस्क है, 500 GB का सीगेट का हार्ड डिस्क है। इसको हम कैडी में इंस्टॉल करेंगे CD ROM की जगह पे। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम SSD इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास 128 GB का SSD है सैमसंग का। ये आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपको WD का मिल जाएगा। CD ROM है, इसको निकालेंगे हम। इसके साथ में आपको 4 स्क्रू आएंगे जो कि यहाँ पे आपको पीछे लगा देने हैं।
सबसे पहले हम बायोस में चेक करेंगे बूट डिवाइस। ये विंडोज़ का पेन ड्राइव है, तो पहले हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे SSD हार्ड डिस्क पे। तो यहाँ पे हम USB हार्ड डिस्क सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट बूट डिवाइस में। F5, F6 से आप अप डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट USB हार्ड डिस्क हो गया, सेकंड आपका SSD हो गया बूटिंग के लिए। एग्जिट में जाएंगे और सेव। विंडोज 64 बिट सेलेक्ट करना है हमको, और आप जब भी OS इंस्टॉल करेंगे तो आपको SSD हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल करना है। जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपका OS है, वो आपको SSD में ही डालना है। आपका जो डाटा स्टोरेज है वो आपका ओल्ड हार्ड डिस्क में रहेगा। यहाँ पे आपका अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आपके लैपटॉप में ऑलरेडी लाइसेंस है तो ऑटोमेटिक लाइसेंस वो विंडोज ले लेगा। ये आपका न्यू SSD का हार्ड डिस्क 120 GB का, उसको न्यू पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। देखिए 5 सेकंड में ये बूट हो गया है। इसमें आपको जो भी ओल्ड डाटा रहेगा वो आपको दिख जाएगा। देखिए पुराने ड्राइव जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको सिंगल ड्राइव है तो सिंगल दिखेगा। यहाँ पे मेरे ओल्ड हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन थे, तो इसके लिए यहाँ पे 2 पार्टीशन दिख रहे हैं, और ये मेरा न्यू हार्ड डिस्क है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।